नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। आज 16 सितंबर 2024 को ये वीडियो मैं नीट और जेई के उन बच्चों के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो नीट जेई 2025 की प्रिपरेशन अपने घर से कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, या अपने लोकल कस्बे शहर से कहीं कर रहे हैं, या बहुत से बच्चे ऐसे जो कहीं ना कहीं कोई किसी कॉलेज में एडमिशन लेके उसके साथ साथ वो नीट और जेई की तैयारी करते हैं। उनके लिए सीएलसी के टेस्ट सीरीज आज तक रामबाण साबित हुई है, आगे भी होगी। आओ दोस्तों बात शुरू करते हैं। आप जानते हो आपकी सीएलसी पूरे देश में सबसे लंबी टेस्ट सीरीज चलाने वाली एक संस्था है। 100 टेस्ट हम लोग करवाते हैं और खास बात है कि पेपर सारा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एग्जाम ओरिएंटेड होता है। इसका प्रमाण यह है कि जितना स्कोर सीएलसी के टेस्ट पेपर में आता है उससे कहीं ज्यादा स्कोर आपका नीट या जेईई में आता है। ये हम बहुत ओपन प्लेटफॉर्म के साथ चैलेंजिंग मोड में कहते हैं। करीब करीब सितंबर से लेके आपकी एग्जाम मई में है नीट और जेईई की, 4 से 5 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। चलो बात शुरू करते हैं। तो 25 सितंबर से आपकी सीएलसी मिड सेशन डीटीए स्टार्ट करने जा रही है, नीट के लिए भी जेईई के लिए भी। तो जो बच्चा भी घर बैठा है ये अभी 25 सितंबर से लेके 31 जनवरी तक अपने कोर्स को शेड्यूल वाइज शेड्यूल देखने के लिए आप clcseeker.com पे जाएं, वहां शेड्यूल आपको पूरा मिल जाएगा। तो clcseeker.com के साइट पे जाके उसका प्रिंट निकाल लें। तो 25 सितंबर से 31 जनवरी तक चलेगा मिड सेशन डीटीएस। उसके बाद दोस्तों नीट के लिए स्टार्ट होगा बायो केम और फिजिक्स इको। ऐसे जेई के लिए स्टार्ट होगा मैथ केम। कहने का अर्थ ये है कि 25 सितंबर से लेके, और मेरा सा मानना है कि 4 मई 2025 को नीट के एग्जाम होनी है और 25 मई 2025 को जेई एडवांस के एग्जाम होनी है, क्योंकि मई के फर्स्ट संडे नीट होना, मई के लास्ट संडे जेई एडवांस होना। तब तक बिल्कुल ये हमारा एक कॉमर्शियल कमिटमेंट है, लगभग 100 टेस्ट हम आपके करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हर पेपर का वीडियो सॉल्यूशन शाम को, उसी दिन शाम को आपको अपने ऐप पे मिल जाएगा। और वीडियो सॉल्यूशन में केवल पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया जाता है, उस सॉल्यूशन के बारे में उस पूरे पेपर को कवर करते हैं, पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप सीकर, अलवर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, दिल्ली और चौमू में। कोटा में 3 सेंटर है इस बार। पहले हमारा सेंटर तलमंडी था, वो तो है ही है, कुनाड़ी पिछली बार सेट हो गया। इस बार कोरल पार्क जो एक नया स्टेशन है कोटा में, वहाँ ऑफिस बन चुका है और सीकर हमारा हेड ऑफिस है जैसा आप सब जानते हैं। जयपुर हमारी खुद की ब्रांच है, अलवर खुद की ब्रांच है, बीकानेर ब्रांच है। ये एड्रेस हमारा चौमू का और जोधपुर का, दिल्ली का है। दिल्ली का एक सेंटर हम लोग अतिशीघ्र ही और लॉन्च करने वाले हैं। तो मैं तो एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप नीट और जेई की प्रिपरेशन को एक मोमेंटम के साथ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी रैंक के साथ करना चाहते हैं, तो आप सीएलसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है और नीट और जेई के परसेंटेज या मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका एक स्कॉलरशिप भी है, ये आपके सामने है। ये आप देखें, ये कॉमन हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9414037884, इस पर भी आप बात कर सकते हैं। बातें बहुत सी की जा सकती हैं। मैं तय जानता हूँ कि आपके सामने दो बच्चों की मार्क्सशीट पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, एक हमारी बेटी रवीना की, एक दया कृष्ण शर्मा की। आप देखें इस दोनों बच्चों ने, एक ने 99 टेस्ट दिए, एक ने 83 टेस्ट दिए, ये लास्ट ईयर टेस्ट दे चुके हैं। और आप देखो रवीना के टेस्ट का स्कोर था 662, एग्जाम में 696 नंबर आए हैं, और दया कृष्ण के 666 थे, एग्जाम में 700 नंबर आए हैं। तो कहने का अर्थ ये कि हमारे टेस्ट से ज़्यादा नंबर एग्जाम में आते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमारे टीचर्स को पता है कि एग्जाम में क्या आता है। जो हमारे सीएलसी में डायलॉग है, हम वो नहीं पढ़ाते जो हमें आता है, हम वो पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है, हम पेपर में वो देते हैं जो एग्जाम में आता है। ओके डियर, तो आप जुड़े, ऑनलाइन जुड़े, ऑफलाइन जुड़े, जितना जल्दी उसके सीएलसी के टेस्ट से ज्वाइन करके अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करें। किसी भी कोचिंग पढ़ रहे होंगे आप, सीएलसी के टेस्ट आपको ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि 100 टेस्ट बहुत बड़ी बात होती है, पूरी प्रैक्टिस, पूरा अभ्यास, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है उसका एक वीडियो सॉल्यूशन। ओके डियर, नमस्कार, जय सीएलसी।